good morning everyone. this is shalu mohan from gcw hisar. today i am going to discuss some important point of our play, the merchant of venice. as i have discussed earlier, what is drama? what is play? there are various genres of literature like poetry, essays, novels. बहुत अलग अलग तरीके के साहित्य में अलग अलग शैलियाँ होती हैं जिसमें एक पोइट्री है ऐसे हैं नॉवेल्स है ड्रामा या फिर प्ले इज़ वन ऑफ द मोस्ट एंशियंट जॉनर ऑफ लिटरेचर सबसे पुराना कह सकते हैं पुरानों में से एक ड्रामा या प्ले भी कहा जाता है द वर्ड ड्रामा इज़ डिराइव्ड फ्राम ग्रीक वर्ड ड्राम विच मीन्स टू डू और टू एक्ट ग्रीक वर्ड से ड्रामा वर्ड लिया गया है जिसका मीनिंग होता है टू डू और टू एक्ट करना और स्टेज पर दिखाना ड्रामा इज़ अ लिटरेरी कंपोजिशन इन वर्ड्स और प्रोज पोट्रेइंग लाइफ और करेक्टर इन्वॉल्विंग कन्फ्लिक्ट एंड इमोशंस ड्रामा एक इस ऐसे तरीके का लिटरेरी कंपोजिशन है जिसमें वर्ड्स या फिर प्रोज होता है प्रोज मतलब एक पोइट्री होती है जिसमें जिसको हम कविता कहते हैं और प्रोज जिसको हम कहानी कहते हैं ठीक है कहानी के जरिए लाइफ करैक्टर की लाइफ को दिखाना स्टेज पर पोट्रे करना ठीक है और उन करेक्टर्स के बीच में कन्फ्लिक्ट उनके इमोशंस किस तरीके से आ, अलग अलग इमोशंस से करेक्टर गुजरते हैं कहानी के अंदर वो दिखाना थ्रू एक्शन एंड डायलॉग उनके एक्शन और डायलॉग्स के द्वारा और मेनली डिज़ाइन रिटर्न फॉर थिएट्रिकल परफॉर्मेंस और मेनली वो सब चीज़ें लिखी जाती है डिज़ाइन की जाती हैं थिएटर पे परफॉर्मेंस के लिए ठीक है, है लिए। ड्रामा इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर जर्नल्स बिकॉज दे आर रिटर्न फॉर सोलिट्री रीडर्स वाइल इट इज़ रिटर्न फॉर द ऑडियंस और ड्रामा एक तरीके का आ, अलग ही शैली है हम कह सकते हैं उसको क्यों क्योंकि ये वो नहीं है जो एक सॉलिटरी रीडर्स के लिए हो मतलब अपना अलग से एक बुक लेके बैठ गए और हम अकेले भी उस कहानी को पढ़ सकते हैं ठीक है और ये लिखी जाती है सिर्फ ऑडियंस के लिए क्यों क्योंकि ऑडियंस के सामने ही वो परफॉर्म भी की जाती है इसलिए ड्रामा मेनली लिखा जाता है ऑडियंस के लिए क्योंकि वो स्टेज पे किया जाता है ओके तो ये आपकी बुक है जिसका फ्रंट पेज इंटरप्रेटिंग प्ले द मर्चेंट ऑफ वेनिस। ओके और ये इनका इसका अंदर का इंडेक्स है कंटेंट है जो जिसमें हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू ड्रामा ये हमने पढ़ लिया है ब्रीफ समरी हम करेंगे आज और आ, फिर मर्चेंट ऑफ वेनिस विलियम शेक्सपियर सीन वाइज समरीज़ वो आगे आपको ऐसे लेक्चर्स एक्ट वाइज और सीन वाइज एक्सप्लेन की जाएंगी सबसे पहले हम आज ब्रीफ़ समरी करेंगे उसके बाद आपको एक्ट वाइज और सीन वाइज भी एक्सप्लेन करके बताया जाएगा ठीक है फिर उसके बाद आ, ऐसे टाइप क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन है देन ग्रामर आती है ग्रामर में आपके पास रीडिंग कम्प्रिहेंशन है प्रेसी राइटिंग है एब्स्ट्रैक्टिंग है समराइजिंग पैराफ्रेजिंग वन वर्ड सब्सिट्यूशन एंड कॉरेस्पोंडेंस ये हम आगे आगे बीच बीच में करते रहेंगे ठीक है अब आते हैं विलियम शेक्सपियर कौन थे जिन्होंने ये प्ले लिखा है हु वॉज बॉर्न इन ट्वेंटी थर्ड अप्रैल फिफ्टीन सिक्सटी फोर एंड डाइड इन 23 अप्रैल एग्जैक्ट डेट पर ही 1616 में ओके विलियम शेक्सपियर वाज एन इंग्लिश प्ले राइट ड्रामेटिस्ट एंड पॉइट विलियम शेक्सपियर एक आ, अंग्रेजी साहित्यकार थे लिखने वाले ड्रामेटिस्ट थे और पॉइट भी थे कवि भी थे ठीक है ही इज कंसिडर्ड एज द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड पूरे वर्ल्ड में सबसे बेहतरीन प्ले लिखने वाले ड्रामेटिस्ट ड्रामा लिखने वाले कहलाए है जाते हैं विलियम शेक्सपियर ओके okay. ही wrote 37 सेवन प्लेज इंक्लूडिंग हिस्ट्री कॉमेडी ट्रेजडी रोमांस उन्होंने अपनी लाइफ में 37 सेवन प्लेज लिखे हैं लिखे उनसे भी ज़्यादा होंगे लेकिन पूरे तरीके से जो अवेलेबल हैं वो 37 सेवन ही हैं जिस जो अलग अलग थीम्स पर लिखे गए हैं हिस्टोरिकल बेस्ड हैं कुछ कॉमेडी बेस्ड हैं ट्रेजडी बेस्ड हैं और रोमांस बेस्ड है ओके ही रोट सीरीज ऑफ 154 फिफ्टी फ़ोर सोनेट्स ऑल्सो उन्होंने वन फिफ्टी फोर सोनेट्स लिखी हैं सोनेट्स हमने पहले भी कहा है फोर्टीन लाइन्स की जो शॉ होती है सोनेट वो वन फिफ्टी फोर सोनेट्स उन्होंने लिखी है ही हैड अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन साइकी हिज करेक्टर्स एंड थीम्स आर यूनिवर्सल और उनकी इतनी बेहतरीन इतनी समझ उनकी इंसानों को कि साइकी को समझना उनके बिहेवियर को उनके दिमाग को किस तरीके से आ, आ, एक करेक्टर को डेवलप करते हैं ना वो उनकी बेहतरीन खोज और उनकी अंडरस्टैंडिंग दिखती है जब उनके प्लेज हम पढ़ते हैं ठीक है यही सब चीज़ें उनके करैक्टर्स में भी दिखती हैं और उन सब ड्रामा प्ले की जो थीम होती है वो यूनिवर्सल है जो यहाँ पे भी फैमिलियर लगती है और आप दूसरे किसी देश में चले जाओगे तब भी वो अपनी से जुड़ी फैमिलियर ही कैरेक्टर्स लगेंगे तो एक यूनिवर्सल टाइप का टच है उनके ड्रामा में जो हर जगह पर अपने से जुड़ा हो लगता है उसका ठीक है जैसे यहीं की कोई कहानी हो अब आता है हमारा ये वाला प्ले जो हम हमारे सिलेबस में है द मर्चेंट ऑफ वेनिस इसका एक ग्लैंस आपको झलकी दिखा देते हैं कि कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं और किस तरीके से कहानी डेवलप की गई है डिटेल वाइज तो हम बाद में करेंगे बट आज आपको सिर्फ इंट्रो दे देते हैं कि क्या कौन सा करैक्टर किस पोजीशन पे कहाँ पर क्या काम कर रहा है इस प्ले के अंदर ठीक है और कहानी कैसे शुरू होकर ख़त्म होती है ओके एंटोनियो मेन कैरेक्टर जिसे हम कहेंगे इज़ द मर्चेंट ऑफ वेनिस इटली वेनिस कहाँ पर है इटली में मर्चेंट वो व्यापारी को कहते हैं ठीक है तो एंटोनियो है द मर्चेंट ऑफ वेनिस, ओके वेनिस का व्यापारी ही इज़ अ काइंड नॉबल जेंटलमैन वो एक काइंड हर्टेड है और अच्छा इंसान है ही इज़ अ रिच वो बहुत अमीर भी है जो पैसे ब्याज पे भी, भी चलाता है ठीक है ही इज़ अ क्रिश्चन और रिलीजिय में क्या है वो क्रिश्चन हैं एंड डज़ नॉट लेंड मनी फॉर इंटरेस्ट और वो ब्याज पे जो पैसा देता है मतलब वो उत, उतना ब्याज उनसे लेता नहीं है जितना पैसा दिया है वो जो लोग लेते हैं वो कभी भी लौटा सकते हैं सिर्फ उतना ही लौटाना होगा उन्होंने जितना उन्होंने लिया है ठीक है बसैनियो सेकेंड करेक्टर हैं जो एंटोनियो का फ्रेंड है ओके okay. और वो इतना अमीर नहीं है और वो भी बाय रिलीजन क्रिश्चियन ही है ठीक है एंटोनियो और बेसानियो की बहुत गहरी दोस्ती है ओके ही लव्स अ गर्ल पोर्शिया एक दूसरे देश में बेलमोंट में रहती है पोर्शिया नाम की लड़की जिससे बेसानियो को प्यार है टू विन पोशियाज़ हैंड इन मैरिज और वो जाना चाहता है बेलमोंट पे कि वो पोर्शिया से शादी कर सके ठीक है ही नीड्स मनी टू गो देर अब उसके पास पैसा नहीं है तो उसे पैसा चाहिए वहाँ जाने के लिए दूसरे देश में जाने के लिए सो ही आस्क एंटोनियो फॉर द मनी अब वो चाहता है कि उधार ले ले अपने दोस्त से पैसा बट अब आयरन ही यहाँ पर क्या हो गई है विडम्बना क्या है कि एंटोनियो ने अपना सारा पैसा लगा दिया है अपने बिजनेस में ठीक है एंटोनियो हैज़ इन्वेस्टेड ऑल हीज़ मनी इन द ट्रेड सो ही टेक्स अ लोन फ्रॉम शाइलॉक अब उसने पूरा पैसा तो लगा दिया अपने व्यापार में काम में जो शिप्स जा रहे हैं उसके एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के काम में उसने पूरा पैसा लगा दिया अब उसके पास पैसा उधार देने के लिए नहीं है तो वो उधार मांगता है एक और करेक्टर से जिसका नाम है शाइलॉक ओके okay. अब शाइलॉक कौन है शाइलॉक इज़ द अनदर मर्चेंट ऑफ वेनिस ये एक दूसरा व्यापारी है वेनिस का ही ही चार्जेस हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट फॉर लोन्स अब ये एक विलन है इस कहानी का और वो पैसे जो देता है लोगों को उसका ब्याज बहुत ज़्यादा दरों पे वापस लेता है ठीक है और वो बाय रिलीजन भी जीव है यहूदी है और एंटोनियो से बड़ी नफरत करता है क्यों क्योंकि एंटोनियो के पास बहुत पैसा है और लोगों के अंदर उसकी इज्जत है प्यार है क्यों क्योंकि वो दूसरे की मजबूरी को समझ के उतना ज़्यादा इंटरेस्ट उनसे गेन नहीं करता लेकिन शायद लोग बहुत पैसा मनी लेंडर है इसलिए वो बहुत ज़्यादा दरों पे पैसे देता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अमीर होना चाहता है और उसके बिज़नेस में टक्कर उसको देता है एंटोनियो जिसकी वजह से शाहलोक एंटोनियो से बहुत नफरत करता है ठीक है अब एंटोनियो फ्रॉम बसानियो से टेक्स लोन फ्रॉम शाइलोक ऑन द कंडीशन दैट ही विल रिपे द अमाउंट एज़ वेरी सुन हिज शिप्स विल कम बैक अब एंटोनियो बसानियो के लिए आ, उस गलत इंसान से भी शाहक से भी पैसा उधार लेने के लिए तैयार हो जाता है ठीक है इस कंडीशन पे कि मेरे शिप्स गए हुए हैं और जब वो वापस आ जाएंगे तो मैं तेरा ब्याज समेत पूरा का पूरा पैसा लौटा दूंगा ठीक है अब शायद लोग को तरकीब सूझती है वो सोचता है इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा मुझे इससे बदला लेने का तो वो जानबूझकर उसे अपनी एक कंडीशन में एक बॉन्ड में बांध देता है ठीक है कैसे शाहलोक गिव्स हिम लोन ऑन द कंडीशन ऑफ अ बॉन्ड स्टेटिंग दैट शाहलोक इसी शर्त पे उसको पैसा देने के लिए तैयार होता है एक बॉन्ड पर साइन करवाता है ठीक है एफिडेविट पे साइन करवाता है क्या इफ़ एंटोनियो फेल्स द टू रिपे द लोन इन टाइम अगर एंटोनियो फेल हो जाता है समय पर पैसा लौटाने के लिए ही विल टेक पाउंड ऑफ फ्लैश फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ हिज बॉडी ये बॉन्ड पे साइन करवाता है कि अगर एंटोनियो फेल हो जाता है समय पर पैसा चुकाने के लिए तो शायलॉक एंटोनियो की बॉडी में से कहीं से भी एक पाउंड फ्लैश मतलब मास ले सकता है उसकी किसी भी बॉडी के पार्ट पे से ठीक है इस पे वो साइन करवा लेता है और एंटोनियो का विश्वास होता है कि वो उसका ये समय जो लिया है उसने उधारी इससे पहले ही वो उसके शिप्स आ जाएंगे और वो पैसा चुका देगा तो डरने की बात नहीं है अगर ऐसे बॉन्ड पे साइन कर भी दूंगा तो उससे पहले ही मैं पैसा चुका दूंगा ठीक है तो वो साइन भी कर देता है उस बॉन्ड पे अब क्या होता है बसान्यो रिच रिच स्पेलिंग गलत है रिच इज़ बेलमोन टू मैरी पोर्शिया अब बसान्यो बेलमोन पोचता है पोर्शिया से शादी करने के लिए अब उसको वहाँ जाके पता चलता है कि वहाँ पे भी एक तरीके की आ, कहानी घड़ी गई है कैसे पोर्शिया इज़ अ रिच लेडी इन राजकुमारी है वो वहाँ की एंड द कंडीशन ऑफ अर मैरिज उसके फादर ने मरते समय एक कंडीशन रखी थी कि कौन पोर्शिया से मैरिज करने के काबिल है ठीक है अब जो उस शर्त पर उतरेगा पूरा उसी से ही पोर्शिया शादी कर सकती है किसी से भी नहीं ठीक है देयर आर थ्री कास्केट्स बॉक्सेस ऑफ गोल्ड सिल्वर एंड लेड तीन तरीके की कास्केट रखी हुई हैं ठीक है बॉक्सेस रखे गए हैं जो एक सोने का है एक चांदी का और एक लेड का धातु का है ठीक है वन ऑफ द कास्केट हैज़ पिक्चर्स ऑफ पोर्शिया इन इट उन तीनों में से एक बॉक्स के अंदर पोर्शिया की पिक्चर है अब जो भी सूटर आता है ठीक है जो भी राजकुमार आएगा जो भी पोर्शिया का हाथ मांगने के लिए आता है उसको सही बॉक्स खोलना है सिंगल चांस मिलता है उसको अगर उसने पोर्शिया की पिक्चर निकाल दी उस बॉक्स में से ठीक है सही बॉक्स चुन लिया तो ही पोर्शिया उससे शादी कर सकती है ठीक है वन हु विल चूज़ द राइट कास्किट विल मैरी पोर्शिया ये पोर्शिया के फादर एक कंडीशन रखे गए थे ठीक है मरने से पहले मैनी प्रिंसेस फेल्ड इन अटैम्प्ट बहुत सारे प्रिंसेस आए और फेल हो गए इस पे उन्होंने गलत कास्केट चुन ली ठीक है बट बसैनियो चूजेज़ द राइट कास्केट एंड विंस पोर्शियाज हैं लेकिन बसैनियो राइट कास्केट एक ही बार में चुन लेता है और पोर्शिया का हाथ जीत लेता है मतलब पोर्शिया से शादी करने के लिए अब वो सही सूटर है ओके okay. ये इसके अंदर भी एक और कहानी है वो डिटेल में हम जब एक्टिवाइज सब्री करेंगे तब बताएंगे कि कैसे हर कास्केट के ऊपर क्या क्या लिखा हुआ है जिसको पढ़ के सूटर है वो अपने आप चूज़ करता है और जो पहले सूटर आए थे वो कौन थे वो शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आता है ठीक है तो ये डिटेल वाइज़ जो और माइनर करेक्टर्स हैं एंटोनियो बसानियो के और दो फ्रेंड्स थे और शायलो की बेटी और एंटोनियो का एक और फ्रेंड ये सब माइनर करेक्टर्स हैं वो हम डिटेल वाइज एक्ट में सब जब करेंगे एक्ट वाइज समरी तब मैं आपको डिटेल में बताऊँगी ठीक है अभी आपको सिर्फ एक कहानी का अंदाज़ा हो जाएगा कि मेन करेक्टर्स कौन हैं और कहानी कैसे डेवलप हो रही थी ओके दैन बसैनियो गोट द न्यूज़ ship had शिप at the time to repay the loan is over. अब बसानियो को बेलबोंट में ही पता चलता है कि एंटोनियो के जो शिप थे ना वो डूब गए हैं अब उसका सारा का पैस, सारा पैसा लगाया हुआ वो डूब गया है और इधर से शायद लोग ने जो टाइम पीरियड मांगा हुआ था वो भी ख़त्म होने जा रहा है और अब उसका पैसा चुकाने की नौबत आ गई है अकेले एंटोनियो पे ठीक है शाहलॉक एज पर हिज बाउंड। आज का पाउंड ऑफ फ्लैश फ्रॉम एंटोनियोज हर्ट क्लियरली ही वॉन्ट्स टू किल एंटोनियो अब शाहलॉक खुश है कि वो समय पर पैसा चुका नहीं पाया आ, और कोर्ट में अपील कर देता है कि इसने मेरे बॉन्ड मेरे बॉन्ड को नहीं माना और अब मुझे वही चीज़ चाहिए जिस बॉन्ड के ऊपर मैंने साइन करवाए थे अगर मुझे पैसा नहीं चुकाएगा ये तो मैं इसके हर्ट से एक पाउंड फ्लैश लेना चाहूँगा और जिससे सारे लोग समझते हैं हम भी समझते हैं हर्ट से एक पाउंड फ्लैश लेना मतलब वो सरासर मारना ही चाहता है एंटोनियो को ओके अब यू टैलिंग रियालिटी टू तो पोर्शिया कम्स बैक टू तो वेनिस टू हेल्प हिज फ्रेंड अब बेसैन्यू सारी बात कह के पोर्शिया को बता के और वापस आ जाता है अपनी दोस्त की हेल्प करने के लिए हालांकि वो पैसे से मदद नहीं कर सकता उसकी लेकिन फिर भी वो आता है कि किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई रास्ता तो निकले एंटोनियो की मदद कर पाए जिसकी वजह से और उसको बहुत गिल्ट महसूस हो रहा है कि उसकी वजह से उसके दोस्त की ये हालत हो गई है जान पे बन आई है ठीक है एवरीवन वन आज शायद लोग फ़ॉर मर्सी बट ही डिनाइज सारे उसे आ, बोलते हैं कि वो मना कर दे मर्सी दिखाए कुछ दया दिखाए एंटोनियो के ऊपर लेकिन वो सब की बात को नज़रअंदाज कर देता है कोर्ट में जज भी उसको बोलते हैं कि आप कुछ तो सोचो कि उसकी जान चली जाएगी आपका बॉन्ड या पैसे किसी की जान से ज़्यादा तो नहीं है लेकिन वो मानता ही नहीं कहते फिर ये सब उसने देख के साइन क्यों नहीं किया ठीक है मैं क्यों आ, उसने साइन किए हैं इसका मतलब आ, वो राजी है इस बात पे और अब तो मुझे वही चाहिए और इसके ऊपर मैं कोई भी समझौता करने के लिए तैयार नहीं हूँ ओके नेक्स्ट अ यंग लॉयर एंटर्स द सीन अब एंटोनियो की तरफ से एक यंग लॉयर आता है जिसको कोई नहीं पहचानता ठीक है फर्स्ट ही आस्क शायलॉग फॉर मर्सी सबसे पहले तो वो फिर से एक रिक्वेस्ट करता है शायलॉग से कि तुम थोड़ी सी दया दिखाओ हाँ uh, भाई और कोई ऑप्शन सोच के देखो कि किसी और चीज़ पे हम समझौता कर सकें लेकिन एज यूजल शाहलोक मना कर देता है देन सेज और फिर उसके बाद वो लॉयर बोलता है एज़ पर द बॉन्ड शाह कैन टेक वन पाउंड ऑफ फ्लैश बट नॉट इवन अ सिंगल ड्रॉप ऑफ ब्लड शुड फॉल डाउन अब यंग लॉयर जो आया था वो शायलोक को अपनी बातों में फंसा लेता है ठीक है आप बॉन्ड में जो लिखा हुआ है कि आप आ, शायलोक ने जो लिखवाया था बॉन्ड में कि एंटोनियो की बॉडी से आप एक पाउंड फ्लैश ले सकते हो ठीक है ले लो लेकिन खून का एक कतरा भी ज़मीन पर नहीं गिरना चाहिए अगर ऐसा होता है जी के हाथों मतलब लोग यहूदी है ना जी के हाथों एक क्रिश्चियन का एंटोनियो का कत्ल हो जाएगा ठीक है जिस जिसके कानून अलग हैं और उसकी सज़ा आपको मिलेगी तो वो उसको अपने ही बॉन्ड में फंसा देता है फ्लैश शुड बी वन पाउंड एग्जैक्ट नॉट मोर देन मोर एंड नॉट लेस अब फ्लैश भी जो आप लेंओगे जो मांस लेंगे वो भी एग्जैक्ट वन पाउंड का होना चाहिए ऐसा नहीं है उससे ज़्यादा और कम हुआ तो आपको सज़ा मिलेगी तो वो यंग लॉयर है वो शाइलॉक को ही उसकी बॉन्ड में उसके बॉन्ड के लूप होल में फंसा देता है ठीक है शाइल नाव इज़ इंट्रैप्ट अब शायद लोग को समझ में आता है कि वो खुद ही जाल में फंस गया है ही ना वॉन्ट्स टू लीव एवरी थिंग बट द लॉयर्ज ही हैज़ ट्राइड टू किल एंटोनियो अब वो चाहता है कि वहाँ से चला जाए लेकिन लॉयर जो यंग लॉयर आया था वो बोलता है कि आप एंटोनियो को मारना चाहते थे ठीक है तो इसकी सज़ा तो आपको मिलेगी ही एक जू एक क्रिश्चियन को मारना चाहता है देअर फोर ही शुड बी चार्ज फॉर एन अटेम्प्ट टू मर्डर आप उसके हर्ट से लेना चाहते थे पाउंड ऑफ फ्लैश जिसका मतलब है कि आप उसको मारना चाहते तो अब आपके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगेगा ठीक है शायलॉग प्रॉपर्टी इज कन्फिस्टिकेटेड अब उसकी सारी संपत्ति पर अधिकार हो जाता है आधि संपत्ति उस क्रिश्चियन को मिलती है एंटोनियो को मिलती है आधि संपत्ति बट जाती है ठीक है अब ऐसे ही वो कंगाल हो जाता है शायद लोग इस तरीके से इन कैरेक्टर्स का एंड होता है ही लीव्स द सीन अब सीन से वो चला जाता है कोर्ट सीन से अब इसके बाद ट्रू आइडेंटिटी ऑफ द लॉयर अब वो यंग लॉयर जो आया था वो कौन था वो रिवील होता है कि वो आदमी के भेष में पोर्शिया ही आई थी अपना भेष बदल के डिस्गाइज करके ठीक है पोर्शिया इतनी समझदार थी कि वो अपने पति बसान्यो की हेल्प के लिए कि वो अपने दोस्त के लिए चिंतित था तो वो बेलमोन से वेनिस आई और सीधा कोर्ट में भेज बदल के और शाह को फंसा के उसने एंटोनियो को जितवा दिया ठीक है बसैनियो फील्स हैप्पी एंड टेल एंटोनियो अबाउट द इवेंट्स इन बेलमोट अब बेसैनियो खुश है एंटोनियो भी खुश है बेसैनियो सारी अपने बैलमोन्ट में जो जो चीज़ें हुई थी उन सब के बारे में बताता है दे गेट मैरिड एंड प्ले एंड विद अदर करेक्टर्स आर ऑल्सो गेटिंग मैरिड अब और भी दो करेक्टर्स आए हैं बीच में तीन आ, जो माइनर करेक्टर्स हैं वो हम एक्टिवाइज पढ़ेंगे जब आपको बताएंगे और भी करेक्टर्स हैं जो शादी करने के लिए रेडी हैं एंड में और यहाँ पर बसैनी और पोरशिया की भी शादी हो जाती है और यहाँ पर कहानी एंड हो जाती है ओके तो आई होप आपको समझ में आई होंगी ये सारी चीज़ें नेक्स्ट हम और डिटेल में करेंगे आगे थैंक यू